रेट्स अच्छे हैं तो कंपनीज को शेयर्स बाय करने आ रही हैं। लेट्स डिस्कस टॉप 5 थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। लकी सीमेंट ने बायबैक अनाउंस किया है, इस पर अपडेट करें। लकी सीमेंट ने 9 मंथ में अपना सेकंड बायबैक अनाउंस कर दिया है, जहां कंपनी टोटल 23.8 मिलियन शेयर 2nd जून से 20th नवंबर के दौरानिए में कैंसिलेशन के लिए परचेस करेगी। अभी बैंक के स्पॉन्सर्स ने शेयर परचेस की इंटेंशन शो की है, इस पर ऑप्शन डालें। आज की मटेरियल इन्फो के मुताबिक आसान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अभी बैंक की पैरेंट कंपनी, उसने 3.5 बिलियन रुपीज़ के बायबैक अनाउंस किए HBL के शेयर्स के। ये वो पैसे हैं जो आउटवर्ड रिपैट्रिएशन में स्टक हुए हुए थे। रिफाइनरी पॉलिसी पे क्या न्यूज़ है? कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने फ्राइडे को ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की पॉलिसी अप्रूव कर दी, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज इस सिचुएशन से काफी डिसअपॉइंटेड है। न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से कैबिनेट ने 10 दिन और मांगे न्यू रिपोर्ट जारी करने के लिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस रिवाइज हुई हैं, इस बारे में बताएं। लेटेस्ट फ्यूल प्राइस नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने संडे के दिन पेट्रोल की प्राइसेस अनचेंज रखी हैं और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस 5 रुपीज़ से कम करके 288 रुपीज़ पर लीटर कर दी है। अप्रैल के महीने में टैक्स कलेक्शन कैसी रही? FBR के कंपाइल्ड प्रोविजनल डाटा के मुताबिक अप्रैल में टैक्स शॉर्टफॉल 100 बिलियन रुपीज़ का रहेगा, जहां टोटल टैक्स कलेक्शन 486 मिलियन की हुई है, जबकि टोटल टारगेट 586 मिलियन का था। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।